अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने जोमान में रखे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़म है, मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ईद उल अज़हा जो है वो गोश्त की ईद है, नमकीन ईद है, लेकिन इस पर मीठा भी ज़रूर बनता है। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है देगी ज़रदा स्पेशल। तो वो हम बनाएंगे आज, क्योंकि हम आज सेवइयां वगैरह नहीं बनाएंगे ईद पर, तो हम आज बनाएंगे ज़रदा, देगी ज़रदा। तो इसके लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दी चलूँ। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे जो मैंने के भिगो के रख दिए हैं, और इसके अलावा मैंने 1.5 गिलास लिए शुगर, यानी कि 1.5 गिलास हमने बराबर नहीं डालनी इसमें, हमने 1.5 गिलास डालनी है, क्योंकि 2 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास चीनी जाएगी। इसके अलावा मैंने छुहारे लिए हैं, तीन अदद मैंने ले लिए थे और उन्हें बारीक कट कर लिया है, और काजू लिया है, बादाम लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में, ये बादाम है, ये भी मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं, और इसके अलावा ये हमने फ्रेश जो खोपरा है वो लिया है, वो मैंने कट कर लिया बारीक, और इसके अलावा काजू लिए हैं। ये तमाम चीज़ें हसबे ज़रूरत हैं, तमाम जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसके अलावा पिस्ता लिया है मैंने, इसको भी मैंने बारीक क्रश कर लिया है, और अशरफियाँ ली हैं मैंने गार्निशिंग के लिए ग्रीन और रेड कलर में, ये भी हसबे ज़रूरत ली हैं, और गुलाब जामुन और ये लिए हैं मैंने, और चमचम ली है, ये भी मैंने हसबे ज़रूरत लिए हैं, ये भी गार्निशिंग के काम आएंगे। और इसके अलावा मैंने फूड कलर लिया है रेड और ज़रदा रंग जो होता है ऑरेंज कलर, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया ताकि चावलों का कलर बहुत अच्छा सा आए। और इसके अलावा एसेंस में मैंने लिया है रूह केवड़ा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये भी हम हसबे ज़रूरत ही डालेंगे। और दूध लिया है मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैं पानी नहीं डालती जब मैं शीरा तैयार करती हूँ। और इसके अलावा मैंने घी को मेल्ट कर लिया, ये मैंने 1/2 कप लिया है, मैं हसबे ज़रूरत डाल लूँगी। इसके अलावा मैंने शीरा बनाने के लिए 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, और 5 अदद ही मैंने लौंग लिए हैं, और ये ऑरेंजेस के ये हैं छिलके, ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये मैं हमेशा घर में जब भी ऑरेंज वगैरह आते हैं तो मैं उनको धोकर, छिलकों को मैं धोने के बाद मैं उनको फ्रेश को ही कट करके तो सुखा लेती हूँ, तो जब ये तैयार हो जाते हैं तो मैंने महफूज कर लेती हूँ, और मैं जर्दे में और मुतंजन वगैरह में ये लाजमी डालती हूँ। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जनाब तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है, बबल्स बन चुके हैं इसमें, तो अब मैं ये देखिए फूड कलर डाल रही हूँ। हम जब पानी हमारा बॉयल हो जाए तो फूड कलर हम उस वक्त डालेंगे। अभी मैं साथ ही चावल डाल दूंगी क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो गया, तो चावल डाल के हम देखेंगे कि हमारे चावलों का कलर कैसा आया। आप भी इसी तरह कीजिएगा, अगर चावलों का कलर सही आए तो आप मज़ीद कलर अवॉइड कीजिएगा, वो मत डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो माशाल्लाह ये देखिए मैं डाल रही हूँ चावल, और ये दो कलर मिक्स करने का मकसद ये है कि चावल जो है उनका कलर बहुत अच्छा आता है। इस तरह अगर हम खाली फूड कलर जो ऑरेंज यानी येलो कलर जो होता है वो अगर डालेंगे तो फिर कलर ज़रा डार्क नहीं आएगा, तो वो जर्दे में अच्छा नहीं लगता। तो देखें माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं बहुत ज़बरदस्त जो गल चुके हैं, बॉयल भी हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे चावल गले हैं, स्टेनर में डालेंगे स्टेन करने के लिए, और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको स्टेन करके फिर दिखाती हूँ। मैम जी जनाब, तो अब हम अपना ऑयल जो है वो डाल रहे हैं। ये मैंने 1/2 कप घी लिया था, इसको मेल्ट कर लिया था मैंने, तो मुझे ये इतना ही काफ़ी लग रहा है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा ये हीटअप हो जाता तो मैं इसमें साथ ही लौंग और जो इलायची थी सब्ज़ इलायची वो मैं डालूँगी। इलायची का मुँह जो मैंने अच्छी तरह से खोल लिया था ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो सके। जनाब तो ये देखे मैं डाल रही हूँ, साथ ही अब हम इनको ज़रा सा कर लेंगे इस तरह, इनको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो फिर मैं साथ ही शुगर डाल के, मैं हमेशा जब ऑयल गर्म या घी गर्म हो जाता है ना तो मैं फ़ौरन पहले चीनी डालती हूँ ताकि ये इसके छींटे वगैरह ना पड़े, फिर मैं ऊपर दूध डाल दूँगी। आप तो देखें ये बड़े अच्छे से इनका भगार जो है ये इनको आ रहा है, बिल्कुल ये रोस्ट हो चुके हैं इलायची भी और हमारे लौंग भी। अब मैं साथ ही चीनी डाल रही हूँ, चीनी में मैंने 1 चुटकी नमक भी डाल लिया था, और अब साथ ही मैं दूध डाल दूंगी। ये देखिए दूध इस तरह हम डालें ना तो फिर इससे ये फ़ायदा होता है कि बड़े आराम से ये सारा इसके अंदर जो है मिक्स हो जाता है सारा कुछ। जी जनाब, तो ये देखें माशाल्लाह हमारी चाश में जो बड़े अच्छे से बबल्स आ चुके हैं और बिल्कुल चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है, और बहुत अच्छा सा हमारा शीरा जो वो तैयार हो चुके हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमारे चावल जो बहुत अच्छे गले हुए हैं, जब चावल ज़्यादा गले हुए हैं अच्छे यानी गले हुए हैं तो आप कभी भी चाश ज़्यादा ना पकाएँ वरना चावल जुड़ जाते हैं। अब हम इसके अंदर अपने चावल डालेंगे, साथ ही इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। मैं ये रूह केवड़ा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं रूह केवड़ा डालूँगी, और इसके बाद अब हम इन्हें जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे तो मैं इन्हें दम पे लगा दूँगी।
जी जनाब, तो माशाल्लाह से हमारे चावल जो वो स्टीम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब देखिए, मैं इन पर स्टीम जो है वो इन्हें कवर दे दिया, ढांप दिया इनको अच्छी तरह से। और मैं आपके साथ अब ये टिप शेयर करती चलूँ, मैं जब भी चावल बनाती हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर याद करवाती हूँ कि पहले मैं दम देने से पहले जो अच्छी तरह जो होता है इसको खुश कर लेती हूँ चावलों को, और फिर उनको दम देती हूँ। और मैं 10 से 15 मिनट तक दम दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पे, और उसके बाद फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैं कम से कम आधा घंटा बिल्कुल भी स्टीम जो है वो ढक्कन नहीं उठाऊंगी मैं। तो इससे फिर चावल जो है वो बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, तो देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे चावल जो है वो बहुत अच्छा इन्हें दम आ चुका है। माशाल्लाह ये देखें, दाना दाना बिल्कुल खिल चुका है चावलों का। अब मैं इन्हें डिश आउट करने लगी हूँ जनाब। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, हमारा देगी ज़रदा ईद स्पेशल बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहुत खूबसूरत इसका कलर आया है। और माशाल्लाह जो मैंने गार्निशिंग की है, आप भी इसी तरह करें, क्योंकि जो शादी ब्याह वाला और ज़रदा होता है वो इसी तरह का होता है, उसकी गार्निशिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है। और आप इसे ज़रूर अपने घर में इस ईद पर ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे प्लीज़ व्यूअर्स अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे फिर मुझे खुशी मिलती है। और जो भी आपको फरमाइश करना चाहते हैं किसी भी रेसिपी की, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।